Let's talk about part 2, that is welfare, microbes in human welfare. ठीक है बच्चे, तो microbes का कैसे यूज होता है welfare, human welfare के रूप में. ठीक है, तो सबसे पहले हम सब पढ़ेंगे बच्चा microbes as a fertilizers. Microbes, ठीक है, microbes as a bio fertilizer. Microbes as a bio fertilizers. ठीक है, तो अगर बात करते हैं बच्चा, तो बहुत सारे बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, दे आर एक्ट एज अ बायो फर्टिलाइजर, दे आर एक्ट एज अ बायो फर्टिलाइजर. ओके, तो अगर हम बात करें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चा, दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक नीट के लिए. ओके, ट्रिपल स्टार आप मारिएगा, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चा, दैट इज फंजाई. फंजाई बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बच्चा. ठीक है, तो इस पर आपको एक टॉपिक है बच्चा, माइकोराइजा. ओके, माइकोराइजा, माइकोराइजा दो तरह के, एक्टोमाइकोराइजा, एक्टोमाइकोराइजा आउटर, ठीक है, एंडोमाइकोराइजा. व्हाट इज एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजा? ओके, माइकोराइजा. बात करें बच्चा, माइकोराइजा इज द फंगल एसोसिएशन, फंगल एसोसिएशन with higher plants root, with higher plants root, higher plants root के साथ association होता है बच्चा. ठीक है, तो mycorrhiza जो higher plants के roots के साथ association होता है, मान लो ये plant है बच्चा, ठीक है, ये plant से इसके roots में fungi का association है, मान लो fungi का association, तो इसके क्या क्या फायदे मिलते हैं plants को उसके, उस पर हम बात करेंगे बच्चा. ठीक है, what are the benefits? See, this type of association is also example of म्यूचुअलिज्म, या इसको क्या कहते हैं बच्चा, इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिसमें दोनों को फायदा होता है बच्चा. ठीक है, जब दो स्पीसीज एक साथ रहे और दोनों को फायदा हो, तो इसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं. होता क्या है, फंजाई को इससे खाना मिल जाता है बच्चा, हायर प्लांट्स के रूट से वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है, और बदले में फंजाई क्या करता है, उसको फॉस्फोरस देता है, सैलिनिटी, स्ट्रेस से बचाता है बच्चा, ड्राउट से बचाता है, तो काफी ज्यादा फायदेमंद है. ठीक है, तो हम सब बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ माइकोराइजा. ठीक है, तो बेनिफिट्स क्या है बच्चा, तो पहले तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस में हेल्प करता है ये माइकोराइजा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिनरल्स फॉर द प्लांट. सेकेंड है बच्चा, इट प्रिवेंट्स प्लांट्स फ्रॉम स्ट्रेस. ठीक है, इट प्रिवेंट्स प्लांट्स फ्रॉम एनवायरमेंटल स्ट्रेस. ओके, फ्रॉम एनवायरमेंटल स्ट्रेस से बचाता है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस लाइक ड्राउट, सैलिनिटी. ठीक है, लाइक ड्राउट, सैलिनिटी, इससे बचाता है. ठीक है, ये बेनिफिट्स है. ठीक है, तो यू हैव टू रिमेम्बर द, ठीक है, पीडीएफ सेक्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप लीजिएगा. ठीक है, तो अगर बात करें तो फंजाई की कौन सा जेनरा है जो सबसे ज्यादा इसको हेल्प करता है बच्चा, तो दैट इज द फंजाई का, फंजाई का एक जेनरा है जो हम ऊपर लिखते हैं बच्चा. ठीक है, फंजाई का ग्लोमस. ठीक है, ग्लोमस नाम का जेनरा, ग्लोमस जेनरा, इस जेनरा के जितने फंजाई है वो सबसे ज्यादा यूज होते हैं बच्चे, मतलब दे एसोसिएटेड विद माइकोराइजा एसोसिएशन को शो करते हैं. ठीक है, तो एक एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस करता है बच्चा, इक्टोमाइकोराइजा, इंडोमाइकोराइजा पार्ट ऑफ रूट इकोसिस्टम. ठीक है, ये रूट इकोसिस्टम का एक पार्ट है जो प्लांट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है. इट प्रिवेंट्स द डेवलपमेंट ऑफ रूट पैथोजन. ये जो रूट है बच्चा, इसमें जो पैथोजन का इन्फेक्शन है, इससे भी बचाता है. ठीक है, तो थर्ड हम लिखेंगे बच्चा, प्रिवेंट्स रूट्स पैथोजन्स. ठीक है, प्रिवेंट्स फ्रॉम रूट्स पैथोजन्स, रूट पैथोजन से प्रिवेंट करेगा. ठीक है, प्रिवेंट्स फ्रॉम रूट पैथोजन. ठीक है, और ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट में बहुत हेल्पफुल होता है. ठीक है फंजाई, दिस एसोसिएशन इज इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माइकोराइजा, फंजल एसोसिएशन विद हायर प्लांट्स रूट, और ग्लोमस जेनरा का सबसे ज्यादा होता है इक्टो माइकोराइजा इंटो. ठीक है, आउटर एसोसिएशन होगा इक्टो, और अगर इसके रूट्स के अंदर में पिनिट्रेट कर जाएगा फंजाई, दैट्स नोन एज इंडो माइकोराइजा. ठीक है, दैट्स स्पेशियल आधार पे. ठीक है, ये फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में दोनों को फायदा होता है बच्चा, म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन इज ऑल्सो नोन एज म्यूचुअलिज्म. इज अ आपको इन्वायरमेंटल जब पढ़ाया जाएगा इकोसिस्टम, तो आपको पता चलेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप. ठीक है, ये हम सब रफ करते हैं, ये हमें फंजाई को बताया. अगर बात करें बच्चा ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट इज साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात कर ले हम सब. ठीक है, तो ओके, वी विल रफ पोर्शन. ठीक है, हम इसको रफ करते हैं. ठीक है, इजली. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन बच्चा. तो हमारा अगला सेक्शन है, दैट इज बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हाउ इट इज बेनिफिट. ठीक है, कुछ बैक्टीरिया बच्चा सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं, कुछ फ्री लिविंग होते हैं, सबके नाम लिखेंगे. ठीक है,
तो ये हो गया, तो ब्लू ग्रीन एल्गी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। ब्लू ग्रीन एल्गी फंजाई हमने पढ़ लिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, और आपको जानते हो ये एल्गी नहीं है, ये क्या बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, नॉट एन एल्गी इट्स अ बैक्टीरिया, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया जो हेल्प करता है बच्चा नाइट्रोजन फिक्सेशन में, इनके पास जैसे एनाबीना नॉस्टॉप एग्जाम्पल अगर बात करें तो एनाबीना पैडी फील्ड में होते हैं बच्चा, एनाबीना नॉस्टॉक एनाबीना, ठीक है एनाबीना नॉस्टॉक, ये सब चीज इनके पास कौन सा जीन होता है बच्चा, NIF जीन होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन, ठीक है नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन होता है। और ये इस तरह से हमें पता है बच्चा नाइट्रोजन इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट, क्योंकि सारे अमाइनो एसिड प्रोटीन से बना है पूरा प्लांट, कोलेजन यू नो दैट, तो सारे के सारे कहाँ से, रूबिस्को एंजाइम, तो सब नाइट्रोजन कहीं ना कहीं उसमें जरूर प्रेजेंट होगा बच्चा, ठीक है। अगर बात करें तो यूजफुल इन पैडी फील्ड, ये सब पैडी फील्ड में इंपॉर्टेंट है, ऑसिलेटोरिया का भी नाम सुना होगा बच्चा, ऑसिलेटोरिया, ठीक है ऑसिलेटोरिया, दैट्स सारे पैडी फील्ड में पाए जाते हैं बच्चा, पैडी पैडी क्रॉप्स होते हैं उनमें ही पाए जाते हैं, ठीक है पैडी फील्ड्स में, ठीक है दैट इज प्रेजेंट इन पैडी फील्ड्स, ठीक है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया बच्चा। अगर अब हम बात करें तो दैट इज बैक्टीरिया का अदर एग्जाम्पल्स, कुछ बैक्टीरिया दैट इज राइजोबियम का नाम सुना होगा, राइजोबियम ये भी बच्चा कैसा एसोसिएशन करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, ठीक है सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, दैट्स म्यूचुअलिज्म भी बोल सकते हो आप, ठीक है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, इनके पास नीफ जीन होता है। अगर बात करें एजेटोबैक्टर, ठीक है बच्चा एजेटोबैक्टर 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 एंड आपका हुआ एजोस्पाइरलम एंड एजोस्पाइरलम, कौन बच्चा एजोस्पाइरलम, ठीक है एजोस्पाइरलम, तो एजेटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरलम जो है बच्चा ये क्या करता है, फ्री लिविंग होते हैं, ये कैसे होते हैं बच्चे, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ठीक है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सब के सब एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए बच्चे, ठीक है। एजेटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरलम दे आर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, वाइल राइजोबियम दे आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है ये आपके प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे बच्चा, यील्ड को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में, ठीक है। अगर हम बात करें बायो एक्टिव के रूप में, मतलब जो हम मेडिकल साइंस में यूज करते हैं बच्चा, साइक्लोस्पोरिन स्टेटिन प्राप्त करते हैं, ठीक है, और क्लॉट बस्टर स्ट्रेप्टोकाइनेज, इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो अगला हमारा है माइक्रोब्स एज ए बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स बनाने में, ठीक है। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिव है जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में यूज करते हैं, सब बात करेंगे हम सब, ठीक है इसको रब करते हैं बच्चे, ठीक है। और नेक्स्ट इज माइक्रोब्स एज बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करने में जो हम यूज करें कैसे कैसे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है बच्चा, ठीक है ये इंपॉर्टेंट सेक्शन, फिर से स्टार मार लो इसको। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टार्ट करते हैं बच्चा साइक्लोस्पोरिन, क्या बात करें साइक्लोस्पोरिन की बात करें, तो साइक्लोस्पोरिन ए भी कहते हैं इसको पूरा नाम बच्चा, इसके डिफरेंट वैरायटी होते हैं। तो साइक्लोस्पोरिन ए इज ए इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंजाई, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है इट ऑब्टेन फ्रॉम आर फंजाई, ठीक है। उस फंजाई का नाम याद रखना है आपको ट्राइकोडर्मा, ये नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इट इज अ इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, क्या है बच्चा ये इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है। तो हमें पता है बच्चा किसी का इम्यून को हमको कमजोर करना है इन केस ऑफ ग्राफ्ट ग्राफ्ट रिजेक्शन, जैसे किसने किडनी का ट्रांसप्लांट किया, किसी भी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट कराने पर उसको हम साथ में जिंदगी भर कौन सी दवाई देते हैं इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट देते हैं बच्चा। तो उसमें सबसे अच्छा बेनिफिट्स हमें साइक्लोस्पोरिन ए से भी मिलता है, स्टीरॉइड्स का ऑल्सो यूज करते हैं बच्चा, ठीक है। अगर बात करें एनसीईआरटी यू हैव टू फॉलो, ठीक है। अगर सेकेंड बात करें सेकेंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की तो ये इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट देख लेते हैं किसमें यूज करते हैं बच्चा, लिख लो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेड पेशेंट पीटी मींस पेशेंट्स, ओके पेशेंट्स में यूज करते हैं। सेकेंड अगर बात करें बच्चा स्टैटिन, ठीक है स्टैटिन, जब भी स्टैटिन आए तो इसका मींस कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, फैटी जिसका है फैटी ऑर्गन उसमें लोग कोलेस्ट्रॉल का लेवल दैट इज 150 से 200 mg होता है बच्चा, अगर उससे ज्यादा बढ़ जाता है तो हम बोलते हैं हाइपर कोलेस्ट्रोमिया। तो कोलेस्ट्रॉल को लेवल कम करने के लिए जब भी दवाई के लास्ट में स्टैटिन लगाओ इसका मतलब वो कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, ठीक है। और इसको हम एक ईस्ट दैट इज ऑल्सो ईस्ट इज ऑल्सो फंजाई उससे ऑब्टेन करते हैं बच्चा, ठीक है उससे ऑब्टेन करते हैं, तो उसका नाम लिखते हैं हम सब नीचे में, ठीक है।
दैट इज सेकेंड हमारा बायो एक्टिव प्रोडक्ट है स्टैटिन। स्टैटिन किसको प्राप्त करते हैं? ईस्ट, जो कि ऑल्सो फंजाई है, मोलस्कस परप्यूरस। ओके, मोलस्कस परप्यूरस। इससे एक्सटेंड करते हैं बच्चा, ये क्या होता है? कोलेस्टेरॉल लोअरिंग एजेंट। ओके, किस पेशेंट को देंगे? ओबेस पेशेंट को देंगे, ओबेस पेशेंट को, जिसमें हाइपर कोलेस्ट्रीमिया होगा। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर कोलेस्ट्रीमिया हम इसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, साइक्लोस्पोरिन ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम और स्टैटिन दैट इज मोलस्कस परप्यूरस। ठीक है, statins are given preferentially during the evening hours, ठीक है, because cholesterol synthesis is maximum at this time, ठीक है, ये भी important है कि ये जो हम statin को देते हैं कब देते हैं बच्चा? patient को evening hours में देते हैं, evening hours में। क्यों देते हैं evening hours में? क्योंकि इस समय synthesis of cholesterol सबसे ज़्यादा आया होता है, और ये statin जो है ना बच्चा, cholesterol का synthesis में जो enzymes काम करते हैं उसी को inhibit करता है, तो enzyme inhibition इसका mechanism of action है। ठीक है, synthesis of cholesterol मैक्सिमम होता है इस समय, सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल दैट इज मैक्सिमम इसी समय होता है। ओके, तो ये हमारा सेकेंड बायोएक्टिव एजेंट हो गया। थर्ड है आपका बच्चा कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल इज प्रिफरेबली ड्यूरिंग मॉर्निंग आवर्स। ठीक है, कॉर्टिसोल्स को हमने, कॉर्टिसोल्स भी है स्टेरॉइडल दवाई है बच्चा, उसको हम मॉर्निंग आवर्स में देते हैं। ठीक है, अदर अगर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की बात करें तो आप खाने में यूज करते हो, कर्ड हो गया बच्चा, योगर्ट हो गया, चीज हो गया, रॉ चीज हो गया, स्वीट चीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज। आपको पता है कर्ड में हमारा गुड सोर्स ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, विटामिन बी 12 की भी आपको रिच मात्रा मिलती है, मतलब बी कॉम्प्लेक्स आपको बहुत अच्छे कर्ड से मिलता है बच्चा। तो लैक्टिक एसिड बेसिलाई LAB बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं हम सब लैब के बारे में। ठीक है, तो सेकेंड हम सब लैब के बारे में पढ़ेंगे। तो लैब के बारे में इम्पोर्टेंट क्या है? रॉ मेटेरियल्स, माइक्रोब्स इन डोमेस्टिक, माइक्रोब्स इन डोमेस्टिक यूज। तो डोमेस्टिक यूज में अगर हम बात करें तो फर्स्ट हम देखते हैं कर्ड। आपको पता है बच्चा मिल्क से कर्ड बनता है विद द हेल्प ऑफ LAB, लैक्टिक एसिड बेसिलाई, लैक्टिक एसिड बेसिलाई, इससे हम सब इसको बनाते हैं बच्चा। लैक्टिक एसिड हाई रिच अमाउंट में होता है, इसलिए अपने नाम दही सौर होता है, खट्टे होते हैं बच्चे। लैब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, इट इज रिच इन विटामिन B12, ओनली सोर्स फॉर वेजिटेरियन। अगर बात करें बच्चा तो कर्ड किस में होता है सबसे? रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12, रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12। सबसे बड़ी बात है बच्चा, जो वेजिटेरियंस होते हैं और जो नॉन वेजिटेरियंस, नॉन वेजिटेरियंस को विटामिन डिफरेंट सोर्स ऑफ मीट से मिल जाता है बच्चा, मछली फिश जो वो खाते हैं। बट अगर बात करें मिल्क ही है एक सोर्स, दैट इज कर्ड, जिसमें कर्ड में B12, जिसको वेजिटेरियंस को ओनली सोर्स ऑफ B12 इज कर्ड। किसको बच्चे? वेजिटेरियंस को। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना बच्चा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिल्क को भी मानते हैं कि वो एनिमल डेराइव है, तो वो यूज नहीं करते हैं, शुद्ध शुद्ध से भी शुद्ध शाकाहारी होते हैं। ठीक है बच्चे, उन्हें वेगांस कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बच्चा? वेगांस। तो याद रखना, ऐसे लोग जो सिर्फ फल खाते हैं, दूध को भी नहीं खाते क्योंकि वो एनिमल एक्सट्रैक्टेड होता है बच्चा, दे आर कॉल्ड वेगांस। तो याद रखना, वेगांस को तो कहीं से भी विटामिन B12 नहीं मिलेगा या कोई भी विटामिन जल्दी नहीं मिलेगा बच्चा। तो ऐसे लोग काफी हॉस्टाइल मीन्स उनको बीमारी होने का खतरा रहता है, खास करके B12 की डेफिशिएंसी, क्योंकि वेजिटेरियंस को एकमात्र सोर्स यही है बच्चा कर्ड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं योगर्ट। योगर्ट, ओके, योगर्ट चीजी सब्सटेंस है बच्चा, श्रीखंड कहते हैं हिंदी में इसको। क्या कहते हैं? श्रीखंड। एट 40 डिग्री स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबेसिलस बल्गरिस आर यूज। ठीक है, योगर्ट बनाने में, योगर्ट ये बच्चा आपके केक इंडस्ट्री में यूज होता है, केक इंडस्ट्री में। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस का यूज करता है थर्मोफिलस, थर्मोफिलस पीडीएफ में सारा चीज लिखा हुआ है बच्चा, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। और दूसरा अगर बात करें तो हम किसका यूज करते हैं बच्चा? दैट इज लैक्टोबेसिलस बल्गरिस। ठीक है, लैक्टोबेसिलस बल्गरिस, बल्गरिस ये दोनों से हम क्या बनाते हैं बच्चा? योगर्ट। और उसके बाद बात करते हैं चीज, तो द स्पेसिफिक, ये योगर्ट की बात करें, द स्पेसिफिक टेस्ट ऑफ योगर्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइलडिहाइड एंड लैक्टिक एसिड। अब किस तरह का एसिटाइलडिहाइड बनेगा उसके तरह, तो याद रखना एक इंपॉर्टेंट चीज, द टेस्ट ऑफ योगर्ट, द टेस्ट ऑफ योगर्ट, योगर्ट इज ड्यू टू स्पेसिफिक, इज ड्यू टू स्पेसिफिक एसिटाइलडिहाइड, एसिटाइलडिहाइड कोई भी तरह का एसिटाइलडिहाइड एंड
एसिटाल्डिहाइड एंड एसिटिक एसिड इनके बनने से होता है बच्चे इसका टेस्ट। ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर बात करें नेक्स्ट चीज, इडली डोसा, ये आपको पता है ईस्ट के कारण होता है इडली डोसा। ठीक है, साउथ इंडियन डिश, दे आर ऑल्सो द गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12 ओके बच्चे। ठीक है, दे आर ऑल्सो नेक्स्ट टॉपिक इज बच्चा चीज। अगर बात करें चीज की, दैट्स द थर्ड टॉपिक हमारा। ठीक है, फर्स्ट कर्ड, सेकंड योगर्ट, थर्ड वन इज चीज। एट 38 डिग्री सेंटीग्रेड स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ठीक है, ये चीज का फॉर्मेशन करते हैं। एट टेम्परेचर नहीं, कुछ स्पेसिफिक नहीं आपको याद रखना, बस याद रखना एट 30 डिग्री स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस आर यूज्ड। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस LACTIS आर यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ चीज। ठीक है, चीज को बनाने में यूज करते हैं। एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड लैक्टोबेसिलस लैक्टिस और लैक्टोबेसिलस बल्गरिस और लैक्टोबेसिलस हेलवेटिकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोपिलस, ये भी यूज करते हैं। 50 डिग्री पर अगर बनाना है तो दूसरा बैक्टीरिया होता है बच्चा, वही चीज बनाएगा लेकिन 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूसरे के द्वारा बनेगा, जैसे लैक्टोबेसिलस लैक्टिस भी बना सकता है इसको, लेकिन वो टेम्परेचर थोड़ा हाई खोजता है। ठीक है, लैक्टोबेसिलस लैक्टिस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए चीज, बस डिफरेंट वैराइटीज ऑफ चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफरेंट वैराइटी ऑफ चीज। एक और एग्जाम्पल लिख लो, लैक्टोबेसिलस बल्गरिस, ठीक है, लैक्टोबेसिलस बल्गरिस, ओके, लैक्टोबेसिलस बल्गरिस, ये डिफरेंट टाइप्स, ये चीज है डिफरेंट टेम्परेचर का फॉर्मेशन हुआ बच्चा। ठीक है, अगर बात करें आप थोड़ा सा रॉ चीज, स्वीस चीज, ब्लू चीज, इन सब चीज का बात करते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज की। ठीक है, तो यही हम बात करते हैं बच्चे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज में एक बात करते हैं रॉ चीज की। ठीक है, सबसे पहले हमसे बात करते हैं रॉ चीज, तो व्हाट इज रॉ चीज। ठीक है, रॉ चीज, होम मेड चीज को रॉ चीज कहते हैं बच्चा। ठीक है, लेमन जूस इज मिक्स्ड इन हॉट मिल्क, गर्म दूध में अगर नमक, ये नींबू डाल दोगे नींबू का पानी, तो जो फट जाता है बच्चा, दैट्स फॉर्मेशन ऑफ चीज होता है, दैट्स नोन एज रॉ चीज, जिसमें 92% H2O, 5% लैक्टोज और सर रेस्ट क्या होता है बच्चा, वे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, तो याद रखना बस लेमन का यूज करते हैं, लेमन प्लस हॉट मिल्क, हॉट मिल्क में लेमन, तो होम मेड चीज भी कहते हैं इसको, होम मेड चीज भी कहते हैं इसको, खुआ जिसको कहते हैं बच्चा। ठीक है, होम मेड चीज। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंड वेराइटी ऑफ चीज, ठीक है, तो फर्स्ट वेराइटी ऑफ चीज के अंदर ये फर्स्ट टाइप हुआ, डिफरेंट टेम्परेचर्स डिफरेंट डिफरेंट करते हैं बच्चा, फॉरेन वेस्टर्न कंट्री में चीज का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, सेकेंड अगर वेराइटी की हम बात करें बच्चा, दैट्स कॉल्ड स्विस चीज, ओके, चीज विद बिग होल्स, स्विस चीज, ऐसे चीज बच्चा जैसे लगेगा कि इससे गैस निकल रही है, बहुत पोर्स होता है बच्चे इसमें, ठीक है, इससे गैस इस तरह का नहीं, तो चीज विथ बिग होल्स, चीज विथ बिग होल्स, विथ बिग होल्स, इसमें पोर्स होते हैं बच्चे काफी। ठीक है, बिग होल्स और पोर्स भी बोल सकते हो आप। ठीक है, और इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बनाने में किसका यूज है, तो प्रोपिनी बैक्टीरियम सरमानी। ठीक है, इस चीज को बनाने में किस बैक्टीरिया का रोल है, प्रोपिनी बैक्टीरियम सरमान। ठीक है, सरमान, ठीक है, सरमाता है, ठीक है, प्रोपिनी बैक्टीरियम सरमानी। ठीक है, प्रोपिनी बैक्टीरियम सरमानी, ये इंपॉर्टेंट है स्विस चीज, स्विस चीज की क्या क्वालिटी होती है, पोर्स होते हैं बच्चे। ठीक है, एंड सेकेंड अगर थर्ड बात करें बच्चे हम सब ब्लू चीज, ठीक है, थर्ड अगर हम बात करें दैट इज ब्लू चीज, तो ब्लू चीज की क्या विशेषता है बच्चा, नाम में ब्लू है और ये पेनिसिलम रॉकीफोर्टी इज यूज, तो इसको बनाने के लिए हम यूज करते हैं, थोड़ा सा मतलब स्लाइटली आसमानी कलर का होता है, तो इसके लिए किसको यूज करते हैं बच्चा, पेनिसिलम रॉकीफोर्टी। ठीक है, पेनिसिलम ठीक है, रॉकीफोर्टी, ठीक है, RQUE, ठीक है, पेनिसिलम रॉकीफोर्टी। ठीक है, इससे क्या मिलता है बच्चा, ब्लू चीज। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज की वैरायटी आपको NCERT फॉलो करना है, ये सारी बातें लिखी हुई है। ठीक है, अब याद है इंपॉर्टेंट बच्चा, ऑर्गेनिक एसिड जो जो हम इंपॉर्टेंट है, और फिर ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चा, ऑर्गेनिक एसिड हम सब क्या क्या प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड क्या क्या हम सब एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो माइक्रोब्स डोमेस्टिक यूज हो गया बच्चा, इंडस्ट्रियल यूज, माइक्रोब्स इंडस्ट्रियल, क्योंकि एसिड का यूज हम इंडस्ट्रियल में करेंगे, इंडस्ट्रियल यूज। ठीक है, तो अगर हम बात करें बच्चा फर्स्ट
दैट इज ऑर्गेनिक एसिड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड यूज करके एक्सट्रैक्ट करेंगे बच्चा बैक्टीरिया से, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड में सबसे पहले हमारा सिट्रिक एसिड, क्या है सबसे पहले हमारा सिट्रिक एसिड, ओके सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड हम किससे प्राप्त करते हैं बच्चा, एस्परजिलस, एस्परजिलस नाइगर से। ये फिर से स्टार मार लो, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, एस्परजिलस नाइगर, क्योंकि बहुत सारे एसिड यहाँ बनेंगे बच्चा, ठीक है। एस्परजिलस नाइगर दैट इज फंगाई है, ठीक है बच्चा, ये क्या है फंगस है, ओके फंगस है, ठीक है। एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड। और अगर बात करते हैं बच्चा सेकेंड, दैट्स लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड का बहुत सारा सोर्स है, ठीक है। आप अभी नहीं पढ़ा आपने, लैक्टिक एसिड बेसी भी स्टेप्टोकोकस भी है बच्चा, ठीक है। स्टेप्टोकोकस भी है, कुछ स्टेप्टोकोकस का भी स्पेयर है, स्टेप्टोकोकस लैक्टिस ये भी बनाता है, ठीक है लैक्टिक एसिड। थर्ड बात करें बच्चा अगर हम सब ब्यूटायरिक एसिड, तो क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटायरिसियम नाम में ही आएगा बच्चा, ठीक है। तो लेस चांस हो जाता है वो क्वेश्चन पूछने का, बट आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ब्यूटायरिक, चार कार्बन लोग आते हैं बच्चा, ब्यूटायरिक एसिड किससे प्राप्त करते हैं, क्लॉस्ट्रिडियम, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटायरिसियम, ठीक है, नाम में ही ब्यूटायरिसियम, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटायरिसियम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर बात करें फोर्थ, तो एसिटिक एसिड बच्चा, ठीक है, एसिटिक एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड बच्चा विनेगर भी इसको कर सकते हो, इसको अगर प्राप्त करते हैं ईस्ट से भी बना सकते हैं, और एसिटिक एसिड हम एक बैक्टीरिया से बना सकते हैं, दैट इज एसिटोबैक्टर एसिटाइल। तो अगर बैक्टीरिया पूछे आपसे तो आपको आंसर करना है एसिटोबैक्टर एसिटाइल। और अगर ईस्ट की बात करें तो हम अल्कोहल फॉर्मेशन में कौन सा पढ़ेंगे, ठीक है, अल्कोहल फॉर्मिंग ईस्ट, अल्कोहल फॉर्मिंग ईस्ट, क्लॉस्ट्रिडियम जैसे अल्कोहल फॉर्मिंग सार्किना ब्यूट्रिकुलाई भी बनाता है बच्चा, ठीक है, वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एसिटिक एसिड का भी फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी फॉलो करो आपको, ठीक है। अगर आप बात करते हैं बच्चा एल्कोहल का कंटेंट डिफरेंट चीज़ों में कितना होता है, जैसे विस्की में कितना होता है, वाइन में होता है, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है, आपको ये भी देखना है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, एल्कोहल बात करते हैं बच्चा एल्कोहल, ठीक है, डिफरेंट एल्कोहल की बात करें बच्चा, तो सबसे पहले हमारा आता है बियर, ठीक है, बियर बार्ली से बनाते हैं, इसको किससे बनाते हैं बच्चा, बार्ली से, ठीक है। बियर किससे बनाते हैं, बार्ली से, और इसका एल्कोहल का कंटेंट कितना बच्चा, 3-6%, कितना कंटेंट है एल्कोहल कंटेंट, तो 3-6%, ठीक है बच्चे। अगर नेक्स्ट बात करते हैं वाइन, ठीक है, वाइन किससे प्राप्त करते हैं बच्चा, दैट्स ऑब्टेन फ्रॉम ग्रेप्स, परसेंट होता है 10-20% एल्कोहल होता है, कितना होता है 10-20%, ठीक है। अगर हम थर्ड बात करें बच्चा, दैट इज द रम, ठीक है, क्या होता है रम, रम किससे प्राप्त करते हैं, मोलेसिस से, किससे प्राप्त करते हैं मोलेसिस, कितना परसेंट एल्कोहल कंटेंट होता है 40%, कितना परसेंट बच्चा 40%, ओके। ये सेक्शन फिर से इंपॉर्टेंट हो गया बच्चा, ठीक है, ये सेक्शन फिर से इंपॉर्टेंट है। अगला है बच्चा जीन, क्या है जीन, इट्स ऑल्सो टाइप एल्कोहलिक कंटेंट, एल्कोहलिक है बच्चा जीन है, इसको हम राई से ऑब्टेन करते हैं, किससे ऑब्टेन करते हैं राई, और इसमें भी एल्कोहल कंटेंट 40% होता है, कितना होता है बच्चा 40%। और नेक्स्ट है ब्रांडी, ठीक है, डिस्टिलेशन ऑफ वाइन, अब वाइन को अगर छाँक देंगे बच्चा, डिस्टिल कर देंगे, तो जो चीज़ बनेगा दैट्स अ विस्की, दैट्स अ विस्की, मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर बॉयज, ओके विस्की, ठीक है विस्की, दैट्स कैसे बनता है बच्चा, इट्स अ डिस्टिल्ड वाइन, डिस्टिल्ड वाइन इज ऑल्सो नोन एज विस्की, और सबसे ज्यादा एल्कोहल कंटेंट होता है 60-70%, याद रखना विस्की हैज मैक्सिमम कंटेंट ऑफ एल्कोहल, ठीक है 60-70%, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है।